मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल आफ्ताब स्टडी क्लासेस में। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पहाड़ी चित्रकला के बारे में, जिसमें आपको पहला क्लास मिल गया था जिसमें हम लोगों ने कांगड़ा शैली पढ़ी थी, दूसरे क्लास में बसोहली शैली पढ़ी थी और आज का आपका तीसरा क्लास है। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। देखिए आपके सामने लिखी हुई है चंबा शैली। कौन सी शैली? चंबा शैली। क्या कह रहा है कि चंबा जो है राज्य किस, चंबा राज्य किस प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो चंबा जो है वो किस राज्य के अंतर्गत आता है? आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? हिमाचल प्रदेश। अब देखिएगा यहाँ पर आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि चंबा क्यों प्रसिद्ध है? तो किसके लिए फेमस है? रुमालों के लिए। किसके लिए? रुमालों के लिए। चंबा का प्रसिद्ध चित्रकार कौन है? तो निक्का। कौन चित्रकार हो जाएगा? निक्का। कौन सा चित्रकार गुलेर से चंबा आया था? तो था नयनसुख। नयनसुख का पुत्र था आपका निक्का। कौन था? निक्का आया था। नयनसुख नहीं, नयनसुख का पुत्र। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि नयनसुख किस शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध था? तो नयनसुख था मुगल शैली का चित्र बनाने के लिए प्रसिद्ध। किस शैली का? मुगल शैली का। चंबा का दूसरा श्रेष्ठ चित्रकार कौन है? आप बताएंगे वंशीधर और कृष्ण, ये श्रेष्ठ चित्रकार थे। आगे देखिएगा आपके सामने अगला क्वेश्चन, चंबा किसके समय में अपने स्वर्ण काल पर पहुंची? तो राजा चढ़त सिंह के समय में। चंबा शैली के सबसे अधिक चित्र किस संग्रहालय में सुरक्षित है? तो भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पड़ता है? चंबा में। आपसे क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है भूरी सिंह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो आप बताएंगे चंबा में। चंबा शैली का विषय क्या है? आप बताएंगे कृष्ण लीला। चंबा शैली का विषय क्या है? आप बताएंगे कृष्ण लीला। आगे देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चंबा शैली में कितने प्रकार के चित्रों का निर्माण हुआ? तो आप बताएंगे रूप चित्र, पौराणिक कथा का। चंबा शैली में चित्रकला का विकास कब से दिखाई देता है? आप बताएंगे 17वीं शताब्दी में। कब से दिखाई देता है? 17वीं शताब्दी में दिखाई देता है। आगे देखेंगे हम लोग। आपके सामने अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? तो जे पी एच बोग ने की थी। किसने? जे पी एच बोग। अब आप लोग मेरी कुछ बातें सुनेगा ध्यान से। इस वीडियो के बाद आप लोगों को एक और वीडियो मिलेगा, 4 नंबर का क्लास होगा। ठीक है, आपको पहला क्लास मिल चुका है, दूसरा मिल चुका है, तीसरा आपका एक क्लास रहा, इसके बाद आपको एक और क्लास मिलेगा, उसके बाद आपका होगा टेस्ट। ठीक है, आप लोगों ने जो आप लोग पढ़ रहे हैं ना पहाड़ी चित्रकला, जो आप लोग पहाड़ी चित्रकला पढ़ रहे हैं ना, इसमें मैं 2-3 सीनियर इसमें वीडियो में करा दूंगा, 2-3 अगली वीडियो में करा दूंगा और आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको जब पहली वीडियो में बताया था कि आपका ये चैप्टर कंप्लीट होने के बाद आपका एक टेस्ट होगा, तो आपको वो टेस्ट देना है और अपना स्कोर भी बताना है। आप लोग एक काम कीजिएगा कि आपको अगर वीडियो ठीक लगे तो आप लोग लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि वीडियो ठीक है, या आपको लग रहा है कि इसमें ये इंक्लूड होना चाहिए, कुछ कमी रह गई, तो आप लोग वो भी बता दीजिएगा कि इसमें ये चीज़ नहीं थी, ये होना चाहिए। अपना सुझाव जरूर दीजिएगा, आपके कमेंट करने से थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है कि हाँ आपके लिए कुछ बेहतर किया जाए, तो इतना काम आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों के पास वीडियो को शेयर कर दिया करो, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी उसको कर लो। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग। आपके सामने लिखा हुआ है, भूरी सिंह संग्रहालय की स्थापना किसने की थी? आप बताएंगे जे पी एच बोग ने। किसने की थी? जे पी एच बोग। निक्का ने चित्रकारी कहाँ से सीखी? आप बताएंगे गुलेर शैली से। किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? तो वह हो चंबा की कला को। ठीक है, याद कर लेना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका ये कि किस कला को कला की घाटी कहा जाता है? तो ये कहा जाता है चंबा शैली को। ठीक है, चंबा कला को। आगे लिखा हुआ है, चंबा कला का प्राचीन अवशेष कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है चंबा के रंग महल में। कहाँ पर स्थित है? चंबा के रंग महल में। चंबा कलम का उदय माना जाता है 17वीं शताब्दी के मध्य में। कब माना जाता है? 17वीं शताब्दी के मध्य में। आगे देखेंगे हम लोग। आपके सामने लिखा हुआ है, देखिएगा इसको,
चंबा के किस चित्रकार का मकान चित्रित था? तो मंगलू मंगलू और दुर्गा। चंबा भित्ति चित्रों को प्रकाश में कौन लाया था? तो श्री नाना लाल चमन लाल मेहता। कौन लाया था? श्री नाना लाल चमन लाल मेहता। अगले क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। आपके सामने लिखा हुआ है, चंबा के रंग महल में कितने पैनल चित्र हैं? तो आप बताएंगे 134। कितने? 134। चंबा में मानव आकृतियां बनी हैं? तो ये प्रायः खड़ी आकृति। कैसी बनी है? प्रायः खड़ी आकृति बनी हुई है। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ था? तो आप बताएंगे राजा उदय सिंह के समय में हुआ था। चंबा शैली का आरंभ किसके समय में हुआ? राजा उदय सिंह। आप लोग क्या कीजिएगा, इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है? आगे लिखा हुआ है, चंबा शैली को प्रोत्साहित किसने किया था? तो राजा जयसिंह ने, राज सिंह ने। चंबा के किस महल में चित्र बने जो आज दिल्ली के राजकीय संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं? तो वो है रंग महल में। कहाँ पर? रंग महल में। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपके सामने, रुमालों का काम चंबा में कब से शुरू हुआ? तो संभवता दे रखा है अप्रोक्सीमेट में 1782 से 1828 के बीच। रुमालों पर कौन सी कला दिखाई देती है? काशीदाकारी। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है कि रुमालों का कपड़ा और आकार क्या है? बताएंगे रेशमी या सूती कपड़े पर, वर्गाकार या आयताकार रुमालों पर, कढ़ाई से आकृतियां तथा आलेखन बनाए गए हैं। चंबा रंग महल के भित्ति चित्रों को कहाँ स्थानांतरित किया गया है? नेशनल म्यूजियम दिल्ली में। चंबा का नामकरण किस प्रकार हुआ? तो बताएंगे राजा साहिल वर्धन की पुत्री चंबावती के नाम पर। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, चंबा का सबसे कला प्रेमी शासक कौन था? तो आप बताएंगे उमेद सिंह था। चंबा कहाँ पड़ता है, याद हो गया होगा आपको कहाँ पड़ता है? बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, तो बता दीजिए कहाँ पड़ता है। पहला ही क्वेश्चन था, रंग महल का निर्माण किसने कराया था? आप बताएंगे राजा उमेद सिंह ने। अगला क्वेश्चन है आपका, अखंड चंडी महल की आधारशिला किसने रखी थी? तो राजा उमेद सिंह ने। चंबा के किन चित्रों को विशेष स्थान प्रदान किया गया? आप बताएंगे भागवत पुराण, रामायण, दुर्गा सप्तशती, रुक्मणी मंगल। ये हो जाएगा आपका राइट आंसर। आगे देखेंगे हम लोग, अब देखिएगा यहाँ पर चंबा शैली समाप्त होती है और आपका इसी में मैंने अगला टॉपिक भी इंक्लूड किया है, इसका नाम क्या है? मंडी शैली। क्या है? मंडी शैली। तो मंडी शैली को भी हम लोग पढ़ लेते हैं इसी वीडियो में, और उसके बाद में एक शैली मैंने और इसमें इंक्लूड किया, उसको भी आज ही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? इसी ही वीडियो में पढ़ लेंगे उसको भी। मंडी शैली में क्या है? 1804 तक लोक कला का प्रभाव। मंडी शैली में किसका प्रभाव दिखाई देता था? तो 1804 तक किसका दिखाई देता है? लोक कला का प्रभाव। 1804 से 1846 तक पड़ोसी लोक कलाओं का प्रभाव दिखाई देता है, और 1846 से 1912 तक पाश्चात्य कला का प्रभाव दिखाई देता है, ठीक है? इतना पढ़ लिया। आगे देखो, राजा केशव सेन के चित्र पर किस कला का प्रभाव है? तो आप बताएंगे लोक कला का। किसका है? लोक कला का प्रभाव है। आगे देखिएगा आप लोग, जेसी फ्रेंच ने अपनी पुस्तक हिमालयन आर्ट में मंडी शैली के किस राजा का चित्र प्रकाशित किया था? तो हो जाएगा राजा सिद्ध सेन का। किसका? राजा सिद्ध सेन का चित्र प्रकाशित किया था। आगे देखेंगे, कांगड़ा से आए सजनू ने राजा ईश्वरी सेन को हमीरहट चित्रावली के कितने चित्र प्रदान किए थे? तो 21 चित्र प्रदान किए थे। मंडी शैली में चित्रित रामायण किस चित्रकार की रचना है? कपूरगिरी। किस शैली में है? मंडी शैली में है। आगे देखेंगे हम लोग, राजा बलवीर सेन के समय कौन सा चित्रकार प्रसिद्ध रहा है? तो मोहम्मद बख्श।
भगवान किस शैली का प्रसिद्ध चित्रकार है? मंडी शैली का। किसका है? मंडी शैली। राजा सूरमा सेन को किस रूप में चित्रित किया गया है? हुक्का पीते हुए। कंपनी काल का प्रथम चित्र है? बलवीर सेन, यानी कुर्सी पर बैठे चित्रित हैं। ठीक है, आगे है क्वेश्चन आपका। मंडी शैली का मुख्य पहचान क्या है? तो भारी मुखमंडल एवं छोटा कद। मंडी शैली का पूर्ण विकसित रूप किस समय दिखाई देता है? तो 1750 ईस्वी में। कब दिखाई देता है? 1750 ईस्वी में दिखाई देता है। आगे देखेंगे हम लोग। हमारा देखिएगा एक टॉपिक और ख़त्म हो चुका है। अगला टॉपिक आपका है गढ़वाल शैली, इसको भी देख लेते हैं। अब सब छोटे छोटे टॉपिक मिलेंगे, शैलियाँ ख़त्म हो जाएंगी। अगले वीडियो में आपको पता चल जाएगा। क्लास नंबर 4 तक कंप्लीट, 5वीं में आपका होगा टेस्ट। गढ़वाल शैली के जन्मदाता कौन थे? तो बताएंगे हरिदास और श्यामदास। कौन थे? हरिदास और श्यामदास। आगे देखिएगा, मोला राम के पिता का नाम क्या था? बताएंगे मंगत राम। गढ़वाल शैली का सर्वश्रेष्ठ नेता चित्रकार कौन था? ये था मोला राम। मोला राम का पैतृक व्यवसाय क्या था? तो बताएंगे स्वर्णकारी। क्या था? स्वर्णकारी था। आगे देखेंगे हम लोग, गढ़वाल शैली की खोज किसने की? मुकुंदरी लाल ने 1908 में की थी। कब? 1908। गढ़वाल शैली का दूसरा प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? चैतू शाह। गोवर्धन धारण चित्र किसका है? आप बताएंगे मोला राम। किसका है? यह है मोला राम का। आगे देखेंगे हम लोग, यादव महिला का हरण चित्र किसका है? आप बताएंगे चैतू शाह। किसका है? यह है चैतू शाह का। अगला देखिएगा क्वेश्चन, सती का तप और महादेव की सभा किसका चित्र है? ये भी चैतू शाह का है। आँख मिचौनी चित्र किसने बनाया? आप बताएंगे मोला राम ने। किसने बनवाया? मोला राम। आँख मिचौनी चित्र क्यों बनाया गया? तो मानकों को चित्र सिखाने के लिए। अच्छा, क्वेश्चन बनेगा आपका यहाँ पर कि आँख मिचौनी जो चित्र है वो किसने बनवाया? तो क्या बताएंगे? मोला राम ने बनवाया। आगे देखेंगे हम लोग, गढ़वाल में कितने प्रकार की नायिकाओं का चित्रण हुआ है? तो आप बताएंगे तीन प्रकार की नायिकाएं हैं। एक हो जाएगी मोर प्रिया, चकोर प्रिया और मयंक मयंक मुखी, यानी चंद्रमा के समान। यंक मयंक होगा हाँ। आगे, श्यामदास और हरिदास किसके साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो दारा शिकोह के साथ 1658 ईस्वी में। कब? 1658 ईस्वी में। आपके सामने है, मोला राम ने किस चित्र में श्री कृष्ण के गले की माला को पैर तक पहनाया था? मोला राम ने किस चित्र में श्री कृष्ण के गले की माला को पैर तक पहनाया? गिरि गोवर्धन में। किसमें? गिरि गोवर्धन में। देखिएगा आप लोग आगे, आकाश की बिजली की चमक को गढ़वाल शैली में किस रंग से चित्रित किया गया? तो स्वर्ण रंग से। किस शैली में स्त्री आकृतियों के माथे पर ढोकवा चिन्हित है? तो बताएंगे गढ़वाल शैली में। ठीक है, आगे देखिएगा, किस शैली में नरसिंह अवतार तथा मत्स्य अवतार का चित्र चित्रित किया गया है? तो आप क्या बताएंगे? गढ़वाल शैली में। गढ़ राजवंश का इतिहास नामक ग्रंथ किसने लिखा? बताएंगे आप। किसने लिखा है? ये लिखा है मोला राम ने। किसने लिखा? मोला राम। आगे देखिए आप लोग, मोर चकोर, नीलकंठ, मुनाल, तिब्बती कौवा का चित्रण किस शैली के चित्रकारों ने किया? तो गढ़वाल के शैली के चित्रकारों ने किया। स्त्रियों के मस्तिष्क पर चंदन का टीका किस शैली की विशेष पहचान है? तो गढ़वाल शैली की पहचान है कि स्त्रियों के मस्तिष्क पर चंदन का टीका। आगे देखिए, शाहजहां के दरबार के कौन से दो चित्रकार सुलेमान शिकोह के साथ गढ़वाल पहुंचे थे? तो हो जाएगा रामदास, उसका पुत्र हरिदास। एक लंबा गहरे रंग का
एवं पत्र विहीन वृक्ष किस पहाड़ी शैली के चित्र में मिलता है? आप बताएंगे गढ़वाल। आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर, गढ़वाल की चित्रकला में श्वेत रंग तथा वस्त्र विन्यास का भावानुसार प्रयोग किस कलाकार ने किया? तो जैतू शाह ने। सुलेमान शिकोह ने औरंगजेब से बचने के लिए कहाँ के राजा की शरण ली थी? तो गढ़वाल के राजा थे पृथ्वी शाह उनके यहाँ। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल नरेशों में पृथ्वी शाह के बाद प्रेमी शासक कौन था? तो बताएंगे दलीप शाह और प्रदीप शाह। दलीप शाह और प्रदीप शाह के बाद कला प्रेमी शासक कौन था? फतेह शाह। कौन सा हो जाएगा? फतेह शाह हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है कि मोलाराम चित्रकार के अतिरिक्त और क्या थे? तो चित्रकार के अलावा भी एक अच्छे कवि थे मोलाराम। ठीक है, चित्रकारी तो उन्हें आती ही थी, साथ साथ में ये अच्छी कविता भी करते थे। 1910 से 11 में आयोजित इलाहाबाद की प्रदर्शनी में डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने मोलाराम के कितने चित्र खरीदे? तो आप बताएंगे 6 चित्र खरीदे। कितने? 6। आगे आपके सामने है, गढ़वाल शैली के चित्र कहाँ सुरक्षित हैं? बात बताएंगे भारत कला भवन वाराणसी में। गढ़वाल के चित्रकारों का विषय क्या था? आप बताएंगे धार्मिक। क्या था? धार्मिक। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग, गढ़वाल में किन विषयों पर चित्र बने हुए हैं? तो भागवत पुराण पर, भागवत पुराण हो जाएगा, रामायण बिहारी सत्संग हो जाएगा, राग माला। मस्तानी नामक चित्र किसने चित्रित किया था? मोलाराम। इसको याद कीजिएगा अभी के अभी, मस्तानी मोलाराम। और इस वीडियो में आज की ये लास्ट शैली जो है वो आपके सामने है, क्या है? पुच्छ शैली। इसको देखो, पुच्छ शैली का पड़ोसी राज्य कौन सा है? आप बताएंगे कश्मीर। मुसलमान चित्रकार का फारसी भाषा में कौन सा लेख अंकित है? जमील मुसव्विर। कौन सा है? जमील मुसव्विर। आगे है कि लंबी टोपी किस परंपरा का द्योतक है? तो मुसलमान परंपरा का। लंबी टोपी किस कला की विशेषता है? तो यह है पुच्छ शैली की। किसकी है? पुच्छ शैली। तो आज का वीडियो आपका कंप्लीट होता है, आपको एक वीडियो भी और मिलेगा, उसके बाद आपका होगा एक टेस्ट। जो आपको 5वीं वीडियो मिलेगी उसमें आपका होगा टेस्ट। टेस्ट के लिए आप लोग तैयार रहिएगा। टेस्ट से पहले आप लोग इन सभी वीडियो का रिवीजन कर लीजिएगा, ताकि आप लोग टेस्ट में कुछ बेहतर स्कोर कर पाएँ। वीडियो अगर अच्छा लगा हो इसे लाइक कर दीजिएगा, साथ में कमेंट करना ना भूलिएगा। कमेंट में अपनी राय को जरूर बताइएगा। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।